और एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर शनिवार देर शाम एक और रिपोर्ट जारी की है और सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ में गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दरअसल अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ एक नया हमला किया। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी के अध्यक्ष बुच और उनके पति के पास में उस ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसके जरिए अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनी के शेयर की कीमत में हेराफेरी की थी। दरअसल 18 महीने पहले अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उनकी कंपनियों ने शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने के लिए ब्लैक मनी के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। अब एक बार फिर से एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सब कुछ सामने आने के बावजूद सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कथित जाल पर एक्शन लेने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रिपोर्ट आने के करीब 18 महीने गुजर जाने के बाद भी सेबी ने कार्रवाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस में अडानी ग्रुप के ब्लैक मनी नेटवर्क की पूरी जानकारी देने के बाद में भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 में सिंगापुर में आईपी प्लस वन में एक के साथ में अपना अकाउंट खोला था और आईपी प्लस वन का एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है जिसके बारे में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने इंडिया इफोलाइन IIFL के जरिए स्थापित किया है जो भारत की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। और साथ ही दस्तावेजों में 2015 का IIFL का भी एक दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि माधवी पुरी बुच और साथ ही उनके पति धवल बुच निवेश का सोर्स सैलरी घोषित किया गया था और कपल की कुल संपत्ति $10 मिलियन दिखाई गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा है कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी पुरी ग्रुप सेबी की पूर्ण कालिक सदस्य होने के साथ ही चेयरपर्सन थी। उनके सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स का नाम से कंसल्टिंग फर्म से 100% हिस्सेदारी थी और आरोप लगाया गया है कि 1 मार्च 2022 को सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने से दो हफ्ते बाद 16 मार्च 2022 को उन्होंने कंपनी में अपने शेयर अपने पति के नाम चुपके से ट्रांसफर कर दिए थे। और ये पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप या फिर भारत से जुड़ा कोई दावा किया हो। इसके पहले जनवरी 2023 में भी फर्म ने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद में अडानी कंपनी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन दावों का पूरी तरह से खंडन किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने तब अपने रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी सबू की कंपनियों को बाजार में ज्यादा आता गया। आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने अकाउंट्स में हेरफेर करके शेयर्स की कीमतें बढ़ाई हैं और इसमें विनोद अडानी का नाम भी लिया गया और उन्हीं की कंपनी ने ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल कर हेराफेरी की है। अब इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप स्कैंडल और साथ ही सेबी की चेयरपर्सन के बीच में कनेक्शन होने का दावा किया है और दावा यह किया गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की ऑफशोर बलमुड़ा और साथ ही मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी थी जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी करते थे। जब 18 महीने पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे तब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिए थे और सेबी की जांच रिपोर्ट को एक एक्सपर्ट कमेटी में पेश करने के लिए कहा था और बाद में एक्सपर्ट कमेटी ने सेबी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था पहली नजर में नियमों या फिर कानूनों का उल्लंघन नहीं पाया गया और इसमें यह भी कहा गया कि बाजार को अस्थिर करने की कोशिश का कोई आधार नहीं है और साथ ही ये भी बताया गया था कि अडानी समूह ने उन सभी लोगों की जानकारी दी जिन्हें शेयर से लाभ पहुंचा।
अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या हुआ था। जनवरी 2023 जब अडानी ग्रुप पर अपनी कंपनियों के शेयर प्राइस में हेरफेर करने का दावा किया गया। फरवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद में मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने को कहा था। उसके बाद में मई 2023 कोर्ट से नियुक्त एक्सपर्ट्स कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी। 17 मई 2023 जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 14 अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। उसके बाद में 24 नवंबर 2023 को अडानी हिंडनबर्ग विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और उसके बाद में 3 जनवरी 2024 जब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने में 2 लंबित मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। आरोपों की जांच SIT या फिर CBI को ट्रांसफर करने से इनकार किया गया था। और इस मसले पर जांच करने के लिए कांग्रेस ने सरकार से एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग रखी है और केंद्र सरकार से अडानी मामले की सेबी के अधिकारियों की वजह से जांच प्रभावित होने पर एक्शन लेने की भी मांग की गई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जवाब दिया है और कांग्रेस पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने और साथ ही जयराम रमेश के बयान आने की टाइमिंग पर सवाल किए हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा, हिंडनबर्ग की हिट जॉब और साथ ही कांग्रेस का बयान एक साथ सामने आया। ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग के किसी सहयोगी ने कांग्रेस के लिए रिपोर्ट के साथ में इसका मसौदा तैयार किया है, लेकिन इसे जारी करने का समय बताना भूल गया। इस पूरे मामले में TMC ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सवाल किया है। TMC सांसद महुआ मोहित्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अडानी की शैली में यहां तक कि सेबी चेयरपर्सन भी उनके समूह में निवेशक हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है और CBI और साथ ही ED क्या आप POC और PMLA मामले दर्ज करेंगी या फिर नहीं, ये TMC सांसद महुआ मोहित्रा की तरफ से सवाल पूछा गया। और माधवी पूरी बुच कौन है वो आपको बताते हैं। सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन है और सेबी की पूर्णकालिक सदस्य भी रह चुकी है। IIM अहमदाबाद से MBA उन्होंने किया, ICICI बैंक से करियर की शुरुआत की थी और फरवरी 2009 में ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक बनी। 2011 में सिंगापुर के ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से जुड़ी संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में काम कर चुकी है और 1 मार्च 2022 को सेबी की चेयरपर्सन बनी थी।